तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मोबाइल की ऐसी ऐप्स, एंड्रॉयड की ऐसी ऐप्स जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो सबसे पहली ऐप आ गई है उसका नाम है जी एनडॉक्स। एनडॉक्स मतलब एन डॉक्यूमेंट। ये ऐप जो है ये बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, लेकिन इस टाइम ये आ रहा है जी दिस ऐप वुड नॉट वर्क फॉर योर डिवाइस, मतलब कि ये भी मैं लैपटॉप से लगा हुआ हूँ तो इसलिए ये डाउनलोड नहीं। अगर आपके पास मोबाइल में यही मसला आ रहा है तो आप VPN यूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अक्सर दोस्तों के मोबाइल फ़ोन में ऑफिस या PDF ई बुक रीडर नहीं होता, इन्हें कोई शीट या PDF दिया जाए इनके पास ओपन नहीं होता। ये ऐप ऑलराउंडर है जो आपके बड़े काम आ सकती है। MS यूज़र जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट जिस तरह एक्सेल वगैरह, ये ऑलराउंडर है। इसमें मौजूद हैं PDF बुक रीडर भी है। इसके अलावा अगर आपके पास फाइल मौजूद है लेकिन ओपन नहीं होती तो ये ऐप एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम करेगी, यानी सब फाइल्स को इनके हिसाब से एक जगह जमा करेगी। ट्राई कीजिए, अगर क्रैक यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें, काफ़ी सारी साइट्स आपको इसका प्रीमियम वरीयम मुहैया करेंगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िलहाल इसको प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें, और इसका ऑफिशियल लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उससे आप जो हैं, अगर ये ऐप आपके एरिया में, अक्सर ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शो नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही, अगर वो आ रहा है आपके पास कोई मसला आ रहा है तो आप फिर VPN लगाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऐप जो है वो हमारे पास है जी डिसेबल टच। ये आ गई जी हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन। डिसेबल टच का जैसे कि नाम से ही जाहिर है, डिसेबल टच के टच को डिसेबल करना। इस ऐप की मदद से आप अपने टच को मुकम्मल तौर पर डिसेबल कर सकते हैं। कई फ़ायदे हैं, जैसे कि अब आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, बच्चा या कोई दोस्त मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल में टच वगैरह हो जाता है तो वीडियो स्टॉप हो जाती है या बैक हो जाती है, मोबाइल तो सारा मज़ा करारा हो जाता है। ये ऐप आपको सहूलत देगी कि आप टच डिसेबल करके बेशक जो मर्ज़ी करें स्क्रीन गायब नहीं होगी। इस तरह किसी छोटे ने स्कूल का काम करना है तो इसे टच डिसेबल करके मर्ज़ी करें, स्क्रीन गायब नहीं होगी। इस तरह किसी छोटे ने स्कूल का काम करना है तो इसे टच डिसेबल करके इसकी वीडियो या लाइव क्लास लगा दें तो वो शरारती बेशक छेड़ता रहे, कार्टून लगाने की कोशिश करता रहे, लेकिन स्क्रीनिंग वही रहेगी, क्योंकि टच डिसेबल जो होगा इसका भी प्रीमियम वर्जन आपको गूगल से मिल जाएगा, लेकिन आप ऑफिशियली इस्तेमाल करें। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर थर्ड पे जो हमारे पास आता है उसका नाम है वायरल आइकन पैक। का नाम है वायरल आइकन पैक। तो ये गई जी हमारी थर्ड ऐप। इसके बारे में आपको थोड़ा बताता चलूं कि वायरल आइकन पैक जो है, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में डार्क थीम्स या लाइट थीम्स इस्तेमाल करते हैं या चेंज करते रहते हैं लेकिन आप अपनी ऐप्स के आइकन चेंज नहीं कर पाते, या ये एप्लीकेशन इसी मकसद के लिए है। इस ऐप के अंदर आपको तकरीबन 400 से 500 के करीब स्टाइलिश आइकन मिलेंगे, जो आपको पसंद हो वो सिलेक्ट करें और आइकन चेंज कर लें। न सिर्फ आइकन्स बल्कि इसमें आपको HD वॉलपेपर भी मिल जाएंगे। ट्राई कीजिए, इस ऐप से आपको फ़ायदा होगा। हमारे पास जो अगली एप्लीकेशन है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारी अगली जो ऐप है उसका नाम है प्राइवेसी। प्राइवेसी डैशबोर्ड।
ये एप्लीकेशन जो है ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का मैं आपको मुख्तसर तारफ़ करवा देता हूँ। प्राइवेसी डैशबोर्ड जो है ये मेरी भी फेवरेट है। अगर आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं तो ये ऐप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेहतरीन ऐप है, इसको इंस्टॉल कीजिए, परमिशन दीजिए, 24 घंटे इंतज़ार कीजिए। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद कौन सी ऐप है जो आपकी लोकेशन मालूम कर रही है, कैमरा को यूज़ कर रही है, गैलरी को, माइक्रोफोन को कब कब यूज़ कर रही है। ये सारी डिटेल आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। आप जिस एप्लीकेशन को अपनी मर्ज़ी का डेटा दे सकते हैं, जिसको नहीं देना चाहते उसको नहीं दे उसको सॉरी उसको जिसको नहीं देना चाहते तो उसको आप कैंसिल कर दें। तो ये एप्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अगली जो एप्लीकेशन हमारे पास है जी, उसका नाम है फ्लिकसाइड। ये एप्लीकेशन आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, सॉरी प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, बल्कि आप इसको गूगल से सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है WA Tool Kit। तो इस एप्लीकेशन के बारे में भी आपको मुख्तसर सा बता दूं कि ये एक बेहतरीन टूल्स है व्हाट्सएप के लिए। इसमें आप खुद से व्हाट्सएप की फेक चैट बना सकते हैं। इसके अलावा मोज की मदद से राइटिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ है। इसमें ट्राई कीजिए, ये भी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, यकीनन आपको पसंद आएगी।